खबर वाराणसी से है। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी मंडल की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर बैठक करने पहुंचे। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि लगातार विकास योजनाओं की निगरानी की जाए, हर परियोजना के लिए एक अलग नोडल अधिकारी बनाया जाए, साथ ही सीनियर अधिकारी हर 15 दिन पर परियोजनाओं के कामों को लेकर जानकारी ले, सभी परियोजनाओं के लिए जो समय तय है उसी समय में पूरा किया जाए, शहर में जाम की समस्या ना हो और सड़क पर गाड़ियां खड़ी ना हो। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम ने बाढ़ को लेकर सतर्क निर्देश दिए हैं और साथ ही बैठक के बाद में सीएम योगी ने काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार के मौके पर सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जब वाराणसी में मुख्यमंत्री ने बैठक की थी, अधिकारियों को निर्देश जारी किए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काल भैरव मंदिर की, जिसे विश्वनाथ का कोतवाल भी कहा जाता है, और पहले पूजा अर्चना करने के लिए सीएम यहीं पहुंचते हैं और उसके बाद में विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर जलाभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने आज आजमगढ़ में बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि वो संवेदनशील बने। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर सीएम योगी ने अधिकारियों को संवेदनशील बनने की नसीहत दी है। जनप्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान सीएम से तहसीलों में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत भी की थी और एमएलसी रामसूरत राजभर ने कहा था कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते, जनता की छोड़िए जनता के प्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनते। एमएलसी की शिकायत पर अधिकारियों को संवेदनशील बनने को कहा गया। सीएम योगी ने एसपी और डीएम को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने साफ साफ कहा कि अधिकारी जनता की शिकायतों को प्राथमिकता दे, नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। सीएम योगी की बैठक के बाद में कैबिनेट मंत्री शर्मा ने बताया कि सीएम योगी ने विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। विकास योजनाओं पे फोकस रहा, राजस्व पे रहा, बिजली पे रहा, काम पंचायतों में जो काम हो रहे हैं मनरेगा के हो रहे हैं, लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, लोगों को कान्हा गौशाला जो चल रही है, गौशाल जो पशु इधर उधर रहते हैं उनके बारे में, सभी विषयों के लाइन आर्डर कानून व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने बहुत बारीकी से समीक्षा किया है। एक सबसे बड़ी बात जो आज की इस यहाँ के कार्यक्रम की रही है उसमें ये है कि हमारी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच चर्चा हुई और उन्होंने जो किसानों को 10 घंटे अभी तक बिजली दी जाती थी उसे 16 घंटा करने का उन्होंने निर्णय लिया है। ये तो समीक्षा होती है तो थोड़ी बहुत बातचीत लोगों को कुछ कड़े शब्द कुछ मीठे शब्द ये समीक्षा का भाग होता है। सभी अधिकारियों को उन्होंने उचित दिशा निर्देश और उचित सूचना। बैठक में बीजेपी के एमएलसी राम सूरत ने सीएम योगी से शिकायत की, अधिकारी बात नहीं सुनते। इसके बाद में सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। जनता तो हमारे लिए साथ है, अगर उसके उसके साथ दो कदम नहीं चलेंगे उसका काम नहीं होगा, जनता काहे रहेगी। स्वाभाविक आप हमारे साथ हैं, दो कदम आपके लिए नहीं चलेंगे तो रहेंगे हमारे साथ। वह काम की बात जहाँ तक रही, लेकिन आपकी गंभीरता से सबकी बात संज्ञान में ली है। मैं प्रमाण से शिकायत नहीं करता हूँ, प्रमाण देता हूँ। प्रमाण सहित चार मामले दफा 28-24 के प्रमाण सहित आर्डर सहित वह दिया हूँ उनको, वह उस पर बड़े कड़े रूप से डीएम को उन्होंने दिया, निर्देशित किया। चित्रकूट पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राकृतिक खेती की संगोष्ठी में शिरकत की। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज की खेती अपनाने के किसानों से अपील भी की है और कृषि मंत्री ने कहा कि मोटे अनाज की खेती में रासायनिक खाद की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए किसान प्राकृतिक खेती और मोटे अनाज की खेती पर जोर दे। हम लोगों ने राज्य के भीतर 4 सालों के लिए उत्तर प्रदेश पुनरुद्धार योजना योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत की है, जो सभी 75 जनपदों में चल रही है। बुंदेलखंड उसके लिए मुफीद है और शीयन की खेती, मोटे अनाजों की खेती में वह रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए किसानों को उत्साह देने के लिए, जागरूक करने के लिए मैं यहाँ पर आया कि वो अपने खेतों में
प्राकृतिक विधि से श्री अन्न की खेती को, मोटे अनाजों की खेती को, ज्वार को, बाजरा को, सावा को, कोदों को, टांगू मुर्गा की खेती को शुरू करें और उनमें से कुछ किसान भाइयों को यहाँ पर निःशुल्क बीज मिनी किट भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वो खेतों में जाकर के उसको लगाएं। बिजनौर में जंगल से घास काटने गई एक लड़की पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला बिजनौर के हेमपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि लड़की जंगल में घास काटने गई थी, उसी दौरान गुलदार ने हमला कर दिया। मैनपुरी में तालाब में डूबने से दो सगी बहनों की मौत हो गई। मामला बरनाहल थाना क्षेत्र का है। दोनों बहनें अपने पिता को खाना देकर लौट रही थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर गाड़ी मूंगफली खेत में गाड़ी चला रहे थे, तो अचानक छोटा सा बच्चा आया, उसने बोला कि मेरी दीदी पैर पानी में गिर गई। दोनों उधर से भाग गया, उधर कोई नहीं था, तो मैंने कपड़े उतार के आवाज़ मारी लोगों को। जब मैं नीचे उसमें कूदा तो गड्ढे में देखा तो कुछ नहीं था, फिर उसके बाद जब ढूंढने के बाद दो बच्चे नीचे मिले, बैठ गए। खबर रामपुर से है, जहां पर तालाब में डूबने से दो लड़कों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पांच लड़के तालाब में नहा रहे थे। तीन लड़के किसी तरह से बाहर निकल गए, लेकिन दो लड़कों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों लड़कों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेला कोतवाली क्षेत्र का मामला है। खबर लखनऊ से है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के दरोगा ने बीच सड़क पर एक ड्राइवर को पीट दिया। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से एक युवक की पिटाई करता हुआ नजर आ रहा है पुलिसकर्मी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं और ट्रैफिक दरोगा किस तरह से ड्राइवर की पिटाई कर रहा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। खबर महराजगंज से है, जहां पर आशा वर्कर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि गांव के चार लोगों को पेंशन दिलाने का लालच देकर नसबंदी की गई। खास बात तो यह है कि जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई उसकी भी नसबंदी कर दी गई। जिन लोगों की नसबंदी हुई उनका कहना है कि धोखे से नसबंदी की गई। मामले में सीएमओ ने एक टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। तीन दिन में जांच टीम अपनी रिपोर्ट देगी। मामला नौतनवा तहसील का है। आशा ले गई चुप्पे से, कहें चलो मिसवरिया उसी बनेगा पिलसिन, पिलसिन से बनने के बाद धोखा से ले आ गए, नसबंदी करा दी है। उसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी 3 सदस्यीय, जो कि उनके तथ्यों को पूरा बयान लेगी हर लेवल पर, और जो उसमें तथ्य सामने आएंगे और जो उसके आधार पर हमें निर्णय लूंगा कौन इसमें दोषी है, तो उसको कुछ ना कुछ उसका कार्रवाई की जाएगी। हरदोई में 10 साल के बच्चे की कुकर्म के बाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही लड़के ने वारदात को अंजाम दिया था और पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला मझला थाना क्षेत्र का है। सूचना प्राप्त होते ही लोकल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। परिजनों से बातचीत की गई तो परिजनों ने बताया गांव का ही व्यक्ति, इसका नाम दीपू है, उस बच्चे को बहला फुसला कर ले गया था मिठाई खिलाने के बहाने, और उसके बाद उस बच्चे की उसने हत्या कर दी। पुलिस ने हॉट चेस में इस अभियुक्त दीपू को घायल अवस्था में हिरासत में लिया है। FIR दर्ज की जा रही है। हरदोई पुलिस आश्वस्त करती है केस की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके अतिशीघ्र चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल की जाएगी। कल यूट्यूबर एल्विश यादव से ईडी पूछताछ करेगी। कोबरा कान मामले में पूछताछ होगी। 8 जुलाई को ईडी ने तलब किया था। सांपों की तस्करी केस में नोएडा में दर्ज है मामला। इससे पहले ईडी एल्विश के करीबी मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया समेत तीन लोगों से पूछताछ कर चुकी है। एल्विश के खिलाफ में पूर्व सांसद मेनका गांधी के संस्था पीपुल्स फोर्स
एनिमल्स के पदाधिकारियों ने सांपों की तस्करी करने का आरोप लगाते हुए नोएडा में मुकदमा दर्ज कराया था। खबर लखनऊ से है, जहां पर बलात्कार के आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइसक्रीम में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़की से बलात्कार किया गया था और पीड़िता का अश्लील वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वापस करने के लिए 3 लाख रुपए भी मांगे गए थे। आरोपी ठेकेदार पीड़िता पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। 28 जनवरी को पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराया था। आरोपी के एक साथी पर भी मुकदमा दर्ज था, जिसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अमेठी में ग्राहक सेवा केंद्र के मालिक से लूट की गई है। संचालक के साथ ही मौजूद लड़के ने चाकू से हमला कर 3,80,000 रुपए लूट लिए। सूचना के बाद में पहुंची पुलिस ने एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का है। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक बैंक से पैसा निकालकर जा रहे थे, तभी साथ में मौजूद लड़के ने हमला किया और रुपए लेकर फरार हो गए। और आगे कुछ दूरी पर जाने पर जो अनिल है उसने इनके ऊपर चाकू से वार किया। जब ये मूर्छित हो गए तो इनको जो है इनका जो 3,80,000 रुपया था वो बैग लेकर इनको गाड़ी से धक्का देकर वो लोग आगे फरार हो गए। इनको तुरंत जैसे ही सूचना मिली उपचार के लिए पहले CSC ले जाया गया, वहाँ से सूर्या अस्पताल लाया गया है। डॉक्टरों के अनुसार इनकी हालत ठीक है, इलाज किया जा रहा है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। प्रतापगढ़ में पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा मिली है। कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। घटना 2020 की है। धारदार हथियार से पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। दोषी पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। पत्नी इसका विरोध करती थी। परिवार का कहना है कि पति शादी के बाद से ही लड़की को मानसिक और शारीरिक तौर पर टॉर्चर कर रहा था। इटावा में दबंगों ने किसान की हत्या कर दी और शव सड़क पर फेंक दिया। जमीन के विवाद में हत्या का शक है। घर वालों ने बताया कि किसान सुबह खेत गया था लेकिन वापस नहीं आया। परिवार के लोग जब वहां पर पहुंचे तो ट्यूबवेल पर किसान की चप्पल और खून फैला देखा और करीब 5 किलोमीटर दूर किसान का सड़क पर शव मिला। ट्यूबवेल पर शख्स की खाली बॉटल और गिलास पड़े थे। शक है कि हत्या से पहले किसान को शराब पिलाई गई थी, उसके बाद में ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। CCTV कैमरे की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जो अगर भीड़ बढ़ जाए तो कहाँ रोकना है ये पूरा ब्रीफिंग भी की जा चुकी है मौके पर जाकर के, जिसके वजह से और महोबा में चिटफंड कंपनी फरार हो गई है। गांव वालों को ज्यादा ब्याज व लालच देकर रुपए जमा कराए थे और फिर कंपनी रफू चक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 करोड़ की रकम जमा कराने के बाद कंपनी फुर हो गई है। वहीं लोगों ने SDM को भी शिकायत पत्र दिया है। ये मामला हो गया कि एच वर्ष ने हमारे पैसे जमा नहीं दे रहे। हमारे 6 साल से जमा कर रहे हैं पहले, हम 1,000 रुपये महीने जमा करते हैं। 2 IDs बोले, एक 1,000 रुपये वाली बोले, एक खोले हैं 100 रुपये वाली। एक 3,000 रुपये का महीना देते हैं और एक देते थे 1,000 रुपये का महीना और एक देते 3,000 रुपये का महीना। 6 साल से जमा करते हैं, हमारे 96,000 रुपये जमा है। तो अब पूरा हो गया तो जो लोग पैसे नहीं दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी एच वर्ष जब ऊपर से पैसा आएगा तब मिलेगा पैसा। बिजनौर में कर्ज में डूबे एक लड़के ने जहर खाकर जान दे दी। मामला नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी किस्त जमा करने का दबाव बना रहे थे, साथ ही बदसलूकी करने का भी आरोप है। बेइज्जती से आहत होकर सुसाइड करने का आरोप लगा है। मृतक की पत्नी ने थाने में तहरीर देकर फाइनेंस कंपनियों के एजेंट के खिलाफ केस दर्ज किया। आए थे, आके धमकी देने लगे, किस्त जमा करो। ये गई थी मजदूरी करने, आके बस उसे डांटना मारने लगे और बाढ़ आई भाई थी, हम कहाँ से करते किस्त जमा बताओ। हैं और यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, और उसकी गोली लाकर 7,50 की जो नाज उज में रखे हैं पैकेट, वो पड़वा यहाँ नाली में मिला। उन हम सब चले गए, उनने खा के सो गया, पड़ गया, पड़ गया बच्चों में। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए News 18। आप देख रहे हैं News 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।